ऐड कर दिया था आप धर्म के आधार सर, वो तो वैसे ही हमारे अनाग लिखता है, आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भारत के डेमोक्रेसी को चैलेंज संविधान को नहीं कर सकते। जो जिन तीन कंट्रियों का नाम लिया वो इस्लामिक बेस्ड कंट्री है, वहाँ पे सुन्नी के सिया को प्रताड़ित किया जा सकता है, सुन्नी को, मतलब टेक्निकल बात। मैं आपको कह रहा हूँ हम सबसे ज्यादा वो क्या कर रहा है उस पर हम इंटरफेयर करेंगे, मतलब बाकी कंट्री को जोड़ दिया गया, हटा दिया गया, बर्मा को जोड़ो, नेपाल को जोड़ो, आप श्रीलंका को जोड़ो, म्यांमार को जोड़ो, नहीं और धर्म और जाति का आधार बना रहे आपको ना। अब एनपीआर जब एनसीआर खत्म तो नंबर लेके क्या शादी ब्याह कीजिएगा हम लोग, नंबर लेके क्या करेंगे आगे शादी ब्याह। अब जो है अब बिहार की बारी है, विधानसभा चुनाव में सर झारखंड जीते दिल्ली कब्जा हो जाएगा, अब बिहार से देश मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा जी? किससे मुक्त हो जाएगा? आतंक उन्माद संविधान जलाने वालों से मुक्त हो, भारत के बीच हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों से मुक्त हो, भारत के बीच महंगाई लाने वालों से मुक्त हो। 10 जगह तो अब बचे हैं, 3 बड़े जगह पर मार ये तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, खुद ही मुक्त होते तो सीधा कहा लागू हो गया, बाद में कहा नहीं जो भारत में हिंदू है सिख है उसको छोड़कर, तुम तो सीधा बोल रहे हो और ये जिसको कुछ आता नहीं 125 झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ये कह रहा है नारसी का पते नहीं है हमको, और दूसरा बात बोल रहा है कि कहीं पर कैंप है ये नहीं है, जबकि अभी कैंप में एक तो लेफ्टिनेंट को डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट से आया। भैया झूठ बोले कौवा खाते तो जाओगे, भैया नोटबंदी में खड़ा किए सब जगह, ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हो महंगाई से भटकाने के लिए, बेरोजगारी में क्रांति हो रही थी, बेटी का बलात्कार हो रहा था, झारखंड तो बता दिया आपको, इतना नफरत फैलाए, 2 सीट भी आप नहीं जीता पाए जहाँ गए ना, अमित शाह 2 सीट जीता पाया, तो भैया अब आप लोग को तो रिजाइन कर देना चाहिए। अब ले आए एन पी आर, अब कह रहे हो आप बाप दादा का खतियानी, अब पप्पू यादव से तो बाप दादा का खतियाना लेगा, जो दूसरे देश में उसको करे कागज बेकर आ जाओ, जो मेरे देश को बनाए उसको कह रहे हो चले जाओ। तो अभी तुमको तो 30 करोड़ आदमी को खाना देने के लिए पैसा नहीं और तुम यहाँ पर, तो इसीलिए हिंदुस्तान रोजगार चाहता है, ये हिंदुस्तान इकोनॉमी आर्थिक प्रजातंत्र चाहता है, इकोनॉमी चाहता है, बांग्लादेश की तरह सर्वाइवल चाहता है, बांग्लादेश का एक भी हिंदू कर दिया वो डर और अभाव के देश में हम नहीं जाएंगे। सर सर आज जस्ट शुक्रवार है, ऐसे में यूपी में 25 जिला में इंटरनेट बंद है, और अभी आपने कहा कि एनआरसी लाया है, मतलब कि चूंकि दंगा कराने के लिए, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल दंगा, हिंदू मुसलमान इनका टारगेट ही है, हिंदू का हम सम्राट कैसे बने, कितना काटे दलित और अत्यंत पिछड़ा, अब बिरसा मुंडा को मानने वाले जब तक लोग हैं पहले तो ये समझिए कि हिंदू मैथोलॉजी कुछ है ही, हम सिंध के रहने वाले लोग हैं और इसी से मेरा खून मुसलमान में भी गया, इसी से मेरा इस्लाम को माना जब हमने शोषण किया, इसी से मेरा खून बौद्ध को माना, इसी से मेरा खून सिखिज्म को माना, ईसाइत को, मेरा ब्लड एक है, मेरी संस्कृति एक है, मेरी तहजीब एक है, मेरी मिट्टी एक है। मैं अब हमको एक बात बताइए, अपना बच्चा को मार के सौतेला के बच्चा को लाओगे, मेरी माँ का बच्चा मार दोगे और दूसरे के बच्चा को लाओगे, मेरा बच्चा दंगा रुकेगा कैसे सर? सालिया हाँ दंगा रुकेगा कैसे सारे दंगा फैलाने के लिए, इसने तो देख लिया आप दंगा हम करा ही नहीं पा रहे, हिंदू मुसलमान हो ही नहीं रहा तो देश में दंगा होने देगा? ये आपको लग रहा है भाजपा के राज में ही दंगा हो सकता है और किसी राज में देखो तो नहीं, नीतीश नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये किसी मुख्यमंत्री जी का सवाल नहीं है, एनआरसी लागू हो ही नहीं सकता, एनआरसी लागू इनको अफगानिस्तान तो मेरे देश का हिस्सा नहीं था ना, समझने की कोशिश कीजिए, आप तो मुसलमान को टारगेट कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा आजादी के बाद किस देश में हमारे देश के लोग मरे? श्रीलंका में तमिल को मारा गया, तुम उसको छोड़ दिए, मधेशियों को मारा गया, तंग किया गया, नेपाल को छोड़ दिए, बौद्ध को मारा गया,
तुमने भूटान और बर्मा को छोड़ दिए, म्यांमार को छोड़ दिए। सवाल एनआरसी का नहीं है, सवाल है तुम मंदिर मस्जिद का सवाल आया, देश के मुसलमानों ने संविधान पर विश्वास किया, 370 का सवाल आया, मुसलमान साथ खड़े थे, जबरदस्ती तुम तलाक की जिंदगी में प्रवेश किए, मुसलमान ने कहा मैं साथ हूं। एनसीआर पर तुम 15 लाख हिंदू 1600 करोड़ रुपया खर्च करके आ गया, तो आप हमको जरा बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 लाख मुसलमान आए, तुम एनसीआर में जब चले गए तो सीएए ले आए, और सीएए में अफगानिस्तान को ले आए, नेपाल म्यांमार इनको छोड़ दिए, पहले ही तुम टारगेट कर दिए, अब जबकि पाकिस्तान मेरे कंट्री से अलग हुआ था, और तुमने कह दिया मुसलमान, फिर जब सीएए पर बैकफुट में गए तो तुम एनपीआर ले आए, एनसीआर से बचने के लिए एनसीआर में फंस गए तो सीएए लाए। सर सीएए लाए दंगा पैदा करने के लिए, आपके हिसाब से सीए होना चाहिए लेकिन उसमें टर्म अलग होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए? भैया पहले तो आप ये समझिए ना, अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान का नागरिकता लिए हुआ, पहले आप ये क्यों नहीं समझ रहे? लगभग बीजेपी के घरों में, मुसलमान के घरों में शादी है इसकी, लगभग 50 लाख लोग हर साल बाहर जाते हैं, हर साल पूंजीपति कनाडा लंदन क्यों जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हो? और 30 लाख लोग हर साल आते हैं, तो आ तो रही है, जिनको रहना होता है नागरिकता तो मिल ही रही है, ये कोई नहीं तो भैया इस मोदी जी को तो कुछ आता है, विरोध क्यों हो रहा है फिर अगर ये हो ही रहा है तो? सर आपने तो संविधान से ऊपर जाके बात कर लिया ना, ये लोग आएंगे और धर्म के आधार पर ये मुसलमान नहीं है, तुम जब हिंदू मुसलमान नहीं करा सके कहीं पर तो कब, इसको तो फोबिया लगा हुआ, क्या बोला ये कि गुंडा था, गुंडा एक्ट वाला, ये कहता है समाज का पैसा वसूलेंगे, गोरखपुर में कितना जलाया था ये रथ यात्रा के समय, उसके बाद क्या बोला जनतारा में, अंसारी को जिताओगे मंदिर कौन बनाएगा, अरे मंदिर तो पप्पू यादव बनाएगा, मंदिर पप्पू मियां बनाएगा, पप्पू झा बनाएगा, पप्पू सिंह बनाएगा, मंदिर पप्पू बनाएगा, तुम तो मंदिर और मस्जिद को तोड़ने वाले राजनीति करते हो, धर्म को राजनीति से तो दूर रखो, अरे बहू पियो तुम चिंता बाबा हो, चिंता मुंटी लेके जय इसके तरह काम करो। भारत के मुसलमानों के